नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का क्या महत्व है इस आधुनिक दुनिया में, इस पर आज चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आई है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई से पता चलता है कि हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि उनके पास विराजमान है, उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें तब तक इस पृथ्वी पर रह सकते हैं। सिर्फ इस बात से ही हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व तो बढ़ जाता है ऐसा हम नहीं मान सकते, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं, और यह एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी बहुत बड़े राम भक्त हैं, रामचरितमानस की रचना करी उन्होंने। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण कब किया, कैसे किया, किस लिए किया, इसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। एक बार औरंगजेब को जब पता चला कि तुलसीदास बहुत बड़ा ज्ञानी है, कवि है, तो जाकर के तुलसीदास से कहने लगे कि मैंने तुम्हारी कविताओं को बहुत सुना है, अब तुम मेरे बारे में भी कुछ पद, कुछ चौपाई, कुछ छंद लिखो। तुलसीदास जी ने बड़े सरल स्वभाव में कहा कि मेरे लिए तो मेरे राम से बढ़कर कोई नहीं है, और मैं सिर्फ अपने राम का ही गुणवंदन करता हूँ। औरंगजेब को ये अच्छा नहीं लगा, उसने अपने सैनिकों के द्वारा तुलसीदास जी को गिरफ्तार करवा लिया और जेल खाने में डाल दिया। अब तुलसीदास जी बड़े दुखी हुए, तब उन्होंने बंदी गृह में ही बैठ करके हनुमान जी का स्मरण करके वहां पर हनुमान चालीसा की रचना की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अंततः कुछ ऐसा हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा। ये हनुमान जी की शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण। हनुमान चालीसा में 40 छंद हैं, जिससे इसे चालीसा कहा जाता है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का सदैव संचार होता रहता है, और इसी कारण वह व्यक्ति समस्त संसार पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। आज हम कुछ छंदों की बात करते हैं कि एक एक छंद का कितना बड़ा महत्व है। जैसे नंबर एक, बच्चे का अगर पढ़ाई में मन ना लगता हो तो उसको इस छंद का पाठ करना चाहिए कि बुद्धिहीन तनु जान कई सुमरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसको अगर कोई पढ़ता है तो उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है, याद रहने लगता है पढ़ा हुआ। नंबर दो, मन में अकारण भय होना। बहुत सारे तरीके के भय होते हैं, जिसमें भूत प्रेत आदि व्याधाओं का जो भय होता है, अगर अकारण कोई भय रहता है तब इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
किसी कार्य को सिद्ध करना हो, कोई कार्य है उसको सिद्ध करना है, तो हमें इस पंक्ति का पाठ करना चाहिए कि भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, उसका रोग का निदान नहीं हो पा रहा है, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, तो इस चौपाई का वो सदैव पाठ करना चाहिए कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। यदि किसी व्यक्ति के प्राणों पर संकट आ गया हो, ऐसी अवस्था में है, तब उसे हनुमान जी की इन चौपाइयों का पाठ अवश्य करना चाहिए कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि आप बुरी संगत में पड़े हैं और आप उस संगत से छूट नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लेकिन फिर भी नहीं छूट पा रहे हैं, तब हनुमान जी की इस चौपाई को जरूर पढ़ना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। यदि आप किसी प्रकार के बंधन में, अभी हमने बात करी थी तुलसीदास जी बंधन में थे, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई का उस समय पाठ करते हैं तो उस बंधन से मुक्त अवश्य ही हो जाते हैं। कौन सी चौपाई है कि जो शतवार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई डर है, ये क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे डर रहते हैं ना, तब ये चौपाई जरूर पढ़नी चाहिए, तो उससे सभी प्रकार के जो डर भय होते हैं ना, उनका नाश हो जाता है। चौपाई कौन सी है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, उस मनोकामना की आप सिद्धि करना चाहते हैं, उस मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, उस कार्य को जल्दी परिपूर्ण हो वो कार्य, ऐसी कोई मनोकामना है, तो उस मनोकामना की सिद्धि के लिए इस चौपाई का पाठ जरूर करना चाहिए। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। ये मैंने आपको कुछ ही बताई, इसमें हनुमान चालीसा में जो 40 पंक्तियां हैं, हर एक पंक्ति एक महामंत्र है, और इस प्रकार कोई भी एक पंक्ति का भी अगर कोई जप करता है तो उसके जीवन के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, सुख शांति संपत्ति की वृद्धि हो जाती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। आगे की चर्चा फिर बाद में करेंगे, अभी इतना ही है।